अस्सलाम वालेकुम, मैं नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। चिकन क्रीम बोटी, इसको बनाने के लिए आपको जो अज़ा चाहिए, सबसे पहले आप एक पैन में पानी ले लें, पिसी हुई हरी मिर्चें ले लें हसब ज़रूरत, जितना आप स्पाइस रखना चाहते हैं। इसके बाद आप चिकन ले लें बोनलेस, बोनलेस चिकन को आप मसाले में शामिल कर लें और हल्की आंच पे उस वक्त तक पकाएं जब तक चिकन मसाला एब्जॉर्ब ना कर ले। उसके बाद आप इसको दम करके रख दें। मसाला खुश्क हो जाने पे आप इसको चूल्हे से हटा लें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। थ्री टेबल स्पून आप योगर्ट ले लें, क्रीम ले लें, वन टेबल स्पून ब्लैक पेपर, गरम मसाला और एक चीज़ अब हसब ज़रूरत, और उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर शामिल करके आप इसको अच्छी तरह से फेंट लें। उसके बाद अपनी मैरिनेट हुई भी चिकन उसके अंदर ठंडे करके शामिल कर लें और मैरिनेट करने के लिए रख दें। आप इसको सीखों पर चढ़ाएं। यहाँ मैंने थोड़ी सी प्याज कटिंग करके बीच बीच में लगा दी है ताकि इस प्याज का फ्लेवर भी इसमें शामिल हो जाए। अपने लो फ्लेम पर इसको सेक लें या आप हल्के ऑयल में भी कर सकते हैं। जो डाइट करते हैं वो बिल्कुल ऑयल यूज़ ना करें और इसको अपने हल्की आंच पर सेक लें। ये बहुत क्रीमी बनती है, आप इसको अपने घर में ट्राई करिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी। ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कैसी लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।